से मिले खाती हम चार को गाना शूटिंग करे करे जर्मनी जर्मनी शर्मानिया आर्मेनिया से दुबई दुबई से फिर शाहजहां लेकिन आप लोगों का प्यार इतना मजा आया मुझे लगता है कि जी जमीन तो बहुत बा शायद सरकार की नजर अगर ये जमीन पर पड़ गई शायद सरकारी जमीन हुई हमके लागत था जी कम से कम यह नहीं हुई तो 2000 बीघा जमीन हुई बहुत ऊपर बना अगर जी फिल्म सिटी के निर्माण हो जाओ तो हमके लागत था कि पूरा बिहार में समा जाए लेकिन हम क्योंकि दोष नहीं दे सकते हम आखिर बताई हम एगो अभिनेता है कलाकार हम नेता तो है ना हम के करे के दोस्ती दोस्ती अनाज के की दोस्ती समाज के करे के दोस्ती अनाज के की दोस्ती समाज के गैस के जी की प्याज के देखिए इंसान में एक बात बताए आपसे वो ट्रेन गलत नहीं होती है जो लेट होती है वो सवारी गलत होती है जो उस पे सफर करती है हमें अपने आप को समझना तो पड़ेगा ना हम अपने बच्चों की भविष्य तय नहीं कर सकते हमें अधिकार तो मिलता है तो कम से कम हम उस अधिकार के साथ साथ हम अपने ऐसे इंसान को चुने जिससे हमारा भला हो सके आज अगर यहाँ फिल्म सिटी बन जाए तो मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव यूपी में शूट करने जाते हैं वहाँ पे कम से कम 60 से 70 लाख रुपया भैया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यूपी सरकार को दे के आता है वहाँ कम से कम 300 लोगों को रोज रोजी मिलेगा रोज कलाकार रोजगार पैदा हो ले रोज कलाकार काम करे लेकिन बिहार सरकार की कोनो चिंता नहीं है ये बताएं खेसरिया चाहे जितना भी संपत्ति बना ले बॉम्बे में बना ले अगर वह चीज बिहार में रही तो खेसरिया का सारा संपत्ति बिहार में रही ना हम अपना परिवार के अपना भाई लोगों के साथ रहते हमके भी तकलीफ होना हमके भी अच्छा ना लगे कि हम दूसरा शहर में जाके दूसरे राज्य में जाके दुगो रोटी कमाता है हमके शर्म लगे दूसरे के जगह काम करे में लेकिन क्या करें जब हमारे खेत बंजर हो जाए तो घर हर तो दूसरे के खेत में नहीं चलावे के पड़ी हमके और हमारा खेत बंजर हम किसान हो के भी इस खेत को आबाद नहीं कर पा रहे हैं तो गलती हमारी ये है कि हम जब इलेक्शन आता है तो खाली दूगो फ्रूटी पिए लगे बैठता रहता बटन दूसरा जगह चल जाता है सबसे पहले एक दिन की खुशी को मारना पड़ेगा अगर आपको पूरे जीवन की खुशी लेना है एक दिन की खुशी को जिस दिन आप मार दीजिएगा अधिकार वो आपका नहीं है वो आपके बच्चे का भविष्य है जो आपको तय करना है पैदा करना ही बच्चों का भविष्य नहीं होता शिक्षा देना ही भविष्य नहीं होता ये बताइए खेसारी के बेटा बेटी अगर आप खेसारी का लगे पैसा मतलब अमेरिका में पढ़ा दिए लेकिन सबका लगा सक्षम तो नहीं थे ना जब अपना बेटा बेटी का अमेरिका में पढ़ाई तो बिहार में कितना लोग खेसारी बजे एक गो ना एक गो खेसारिया बा ये बताइए आज जितने भी हमारे बिहार के नेता हैं यूपी के नेता हैं सबके अपने बच्चे कोई अमेरिका में पढ़ता है कोई लंदन में पढ़ता है कोई मॉरिशस में पढ़ता है किसी किसान का बेटा कहाँ पढ़ने जाता है क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है क्योंकि इन लोगों ने अगर यहीं पे स्कूल दिया होता तो इनके भी बच्चे यहीं पे शिक्षित हो जाते हैं लेकिन इन्होंने जब अपने बच्चे का भविष्य तय नहीं किया तो हमारे बच्चों का भविष्य तय कहाँ से कर पाएंगे अब ये बताइए कि यूट्यूब पर डाल देता लोग ये खेसरी राजनेता हो गए अब हम अपन दुखो ना कह सकिले अच्छा हम नजायज बोलते हैं चाचा अभी बताइए खेसरिया जब अपना खाती हॉस्पिटल लिखे बनवल है तो गांव भर का इलाज कहाँ से कर रही तो जब ये हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए एम्स में जाते हैं हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं विदेश जाते हैं तो ये बताइए जब ये अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवाए तो हमारे इलाज के लिए कहाँ से खुलवा पाएंगे मेरी उम्र आज 28 से 30 बरस की हो गई 30 बरस से हो सकता है 5 बरस बाद मुझे होश आ गया होगा 25 बरस से तो ऐसा ही देख रहा हूँ कि हमारा बिहार में बदलाव कुछ नहीं हुआ है दारू बंद हुआ है तब मिलिए रहा है इसमें दोष हम सरकार को नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास रोजी नहीं है हम अपनी रोजी ढूंढते हैं वो चाहे हमें नशा में मिले या बुराई
करके मिले या किसी का मर्डर करके मिले। हमारे पास अगर रुचि होती, हमारे पास काम होता, हमारे पास किसी का विश्वास होता तो शायद आज हम भी बेकार नहीं होते, किसी फैक्ट्री में अपने ही जिला में, अपने ही गृह जिला में, अपने ही घर में काम करते। तो जब इंसान बेकार होता है तो गलत काम करता है। जब हमारे पास अपना वर्क होता, हमारे पास फैक्ट्रिया होती, तो आज हमारे भी घर की औरतें अपने पति के साथ रहती, एक अपने पति के लिए तरसती नहीं कि होली में आएंगे तो दीपावली में आएंगे। आज हम अपने बच्चों के साथ होली मनाते, दीपावली मनाते, हमें दीपावली मनाने के लिए किसी का परमिशन लेना पड़ता है, किसी से लेटर लेना पड़ता है कि सर हमको जाना है अपने बीबी के पास, छठ आ गया है, तो हमें तो त्योहार मनाने की भी आजादी नहीं मिलती है। ऐसा ऐसे राज्य में हम पैदा हो गए हैं। हमें ऐसे राज्य से नफरत नहीं है, लेकिन यहाँ के सिस्टम से मुझे नफरत है कि यहाँ के सिस्टम हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं ले ही नहीं गया। इनका एक ही काम है, इलेक्शन के बाद हमें रोज मिली, अगर इलेक्शन बा यहाँ बाढ़ है आई कि चिवरा खात खात पेट मॉल हो जाए, खूब खाए बर चिवरा, लेकिन यही इलेक्शन बीतते ही एक भी आदमी, हाँ, जो आपके दर्दों को समझता है। मैं किसी राजनेता पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिस्टम पे बात कर रहा हूँ। मुझे दुख होता है ऐसे देख के, इस जमीन को देखा तो मैं अपने कलेश बाबा से बोल रहा था एक बार कि बाबा इतनी अच्छी जमीनें हैं, ऐसे ही जगह पे हम शूट करने जाते हैं तो वहाँ फिल्म सिटी बन गया है, यही जंगल मुझे मिलती है मैं जब शूटिंग करने जाता हूँ, तो इससे कुछ VIP नहीं मिलता है, लेकिन हमें वहाँ मिलता है क्योंकि वहाँ के सिस्टम ने उस जगह को बनाया है। व्यवस्था तो हमने के बनाने के परी साल अच्छा 5 साल में एक बार मौका मिला करो में हमने का फ्रूटी पा खा जाइए सदा कहां से व्यवस्था के होते दी। हमें हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपको बदलने के लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब सिस्टम बदलेगा, क्योंकि सिस्टम चलाने वाले आप हैं, आप उनको अधिकार देते हैं सिस्टम चलाने के लिए। खेसारी का कितना बड़ा स्टार होगा, मैं अपनी बातें कर रहा हूँ। तो जब खेसारी लाल यादव की औकात आपके हाथों में है, मेरा भविष्य आपने तय किया है, एक दूध बेचने वाले बेटा, एक लिट्टी बेचने वाले बेटा स्टार आपने बनाया ना। मेरे पिताजी कभी मेरा सिनेमा नहीं देखते हैं, लेकिन आप लोग अपने बेटा के लिए अपना हाथ हाथ फाड़ लेते हो, तो मेरे बाप से बढ़ के आप सब होते हो, इसीलिए मैं हमेशा आप सबसे प्यार करता हूँ। मैंने अपनी जगह पहचानी, रास्ते खत्म नहीं होते हैं, जहाँ खत्म होते हैं वहीं से एक दूसरा रास्ता बनता है, वो आपको चुनना है कि आप जाना कहाँ चाहते हो। पत्थर भी विश्वास क्यों जगा देता है, हम राम को क्यों पूछते हैं यार, पूछने का कारण है कि राम ने कर्तव्य किया है, और हम पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेते हैं, और हम इंसान होकर एक इंसान को नहीं बदल सकते क्या, हम अपने बच्चों का भविष्य तय नहीं कर सकते, पत्थर में विश्वास ढूंढ लेते हैं, लेकिन हम किसी नेता में अपना भविष्य नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि हम फुरूटी पे बिकते हैं, हमें फुरूटी छोड़ना होगा। 5 साल बाद मौका होता है, ऐसा काम कर दलो कि आदमी लोग बन जाओ, अपने आप समझ में आ जाए कि नेतागिरी का होना। हर आदमी के लिए बात करता हूँ, मैं देखा तो मुझे दुख हुआ कि इतनी सारे जमीन के बावजूद मैं किसी सरकार पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं बातें बोलता हूँ कि अगर मेरी बातें YouTube के माध्यम से कहीं ना कहीं तो चलिए जाइए, हम जाना जाने, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि यहाँ 5,000 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ में फिल्म सिटी बना दो यार, कि मैं अपने भाइयों के साथ यहाँ शूटिंग करने आऊँ। अगर मुझे लगता है ना, अगर यहाँ पे फिल्म सिटी 100 एकड़ में बन गया तो बिहार की सबसे खूबसूरत ये जगह होगी, ये मेरा दावा है, ये मैं जानता हूँ, और पूरी दुनिया यहाँ पे आएगी शूटिंग करने, चाहे वो सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन हो, या अक्षय कुमार हो, खेसरिया के घर है, झड़ो फिर खाते चल रहे हमारे तो बती हटा दे, हम तो घर के बेटा हैं, ये जमीन के उपजल एगो अनाज है, लेकिन दुख होता है, हमको बड़ा दुख लगल है, ऐसा नहीं है, ये जगह देख के दुख ना लगल है, ये
इतना सुंदर जगह बारे ओकरा बावजूदो हमनी के अपना जमीन पर फसल नहीं किसे होगा पावत ई हमनी के ब्रह्मणा बा जे हमनी के कितना तकलीफ में बानी जा। आप पिता हैं क्या कहूँ, अरे वो तो बहुत दूर की बात कह दीजिए, मुँह हम लोगों को चलने के लिए रोड नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ से वहाँ से एक बार एग्रीमेंट भी हुआ था, सरकार बनने नहीं दे रही है, हम लोग क्या करें, अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तिहार से यहाँ जाने के लिए फेमरा तक रोड हुआ था, सरकार वन विभाग बनने नहीं दे रहा है। ये तो बड़ी बात कह दी पांच अधिकार काम करने के लिए। तो जो बात बताई, हम बहुत गरीब परिवार की बेटी बेटी का लगे 50 करोड़ 200 करोड़ रुपया नहीं है, लेकिन भगवान अगर हमको बहुत बड़ा जरिया बना दी है ना, हम वादा करे करी, हम इसे वादा करके देखिए, हम नेता ना है, हमके वोट नहीं खेले देखे, और वो लोग बिना आशीर्वाद दे दिले, हमने कहा बहुत बार हम वादा करे थे कि भगवान अगर हमके बहुत बड़ा आदमी बना दे ना, तो हम अपना पैसा से फिल्म सिटी बनाए भेजी जमीन में बोले। इतना निमन जगह हम साउथ में, अभी साउथ के सिनेमा करके नहीं आई, इतना निमन जगह हमके साउथ में ना मिला, हम अपना जीवन में पहली बार इस जगह पाई भाई, इस जगह पे आया, इस जगह पे आके ऐसा लगा कि यहाँ जन्नत है और यहाँ पत्थर नहीं, यहाँ हर पत्थर पे इतिहास बना हुआ है, बस लोगों को पढ़ना आना चाहिए। लेकिन हमें, मुझे नहीं लगता कि इस सरकार को कभी ये पत्थर नजर आएगी, इनके नजर में ये पत्थर है, क्योंकि इसके लिए आपने मंदिर नहीं बनाया ना। एक पत्थर को रख के जब हम मंदिर बना देते हैं तो उसमें जल चढ़ने लगता है। आज इस पत्थर पे आप मंदिर बना दीजिए, देखिए सारे भक्त जल चढ़ाना शुरू करेंगे, और ये हमारे लिए मंदिर नहीं भगवान का मूर्ति बन जाएगा यही पत्थर। लेकिन सरकार के नजर में एक मामूली पत्थर है, लेकिन वो मंदिर बना दे तो शायद ये पूजनीय हो जाए, लेकिन शायद ये लोग नहीं बना पाएंगे। हम 30 साल से तो यही बोलते आ रहे हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है कि मैं राजनीति करने लगता हूँ, मन करना चाहिए हमारा 25 साल 30 साल हम हीरो में ठीक बनी, नेता बन जाए तो कहीं शॉर्ट के मिली हो, तो हर जगह देखे भाई तुम्हें कोनो फोटो नहीं खींचो। अभी बताओ जो है ना, भाइयों ले तो नहीं तो कुछ बोले वाला नहीं खन, ऐसे हमारा नेता नहीं हो। हमको कुर्सी नहीं चाहिए, हमको कुर्सी पे बैठने वाले वो लोग चाहिए, जो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी एक घर में नेता है। आप अपने घर को चलाते हैं तो आप नेता ही तो है, आप अपने घर को चलाते हैं, आप 6 आदमी को चलाते हैं, यहाँ 12 करोड़ जनता को मुख्यमंत्री चलाते हैं, तो उनको पावर दिए हैं तब ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना भविष्य तय करिए। इस जगह से मुझे बहुत प्यार हुआ बबन भैया, मैं आज अपने चाचा के पुण्यतिथि में आके बहुत बहुत मैंने इतना गर्व महसूस करे थे कि क्या बताई, भगवान हमको इतना तू बड़का बना दे ना कि हम यही जी बंगला लेके अपना मेहरारूआ के संग रोज जूहू चौपाटी घूम। इतना बढ़िया है जिगिया, नदी बहुत आवे जूहू चौपाटी बन जाए जिगिया, हर आदमी ठेला लगा के रोज 500 रुपया कमा के जाए, लेकिन क्या है चिरकुट बड़ा से कहीं बुझा दे। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार अतनी हमको छठ से हमने साथ ने कि छठ को बजा दो अतनी हमने के बढ़िया से सब लोग झूम ली ना, छठ के माहौल चलत आ गए। अच्छा आइए आइए आइए, मनीष आइए।